गाइस ये मारुति सुजुकी XL6 अल्फ़ा यानी टॉप वेरिएंट गाड़ी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फ़ा। ये अल्फ़ा यानी टॉप वेरिएंट गाड़ी है, इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। इसमें आपको फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर, फॉग लैम्प कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें, और ग्रिलों पर भी क्रोम मिल जाता है। बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको डुअल टोन में अलॉय व्हील दिए गए हैं, और जिनका साइज़ है 195/60 R16 इंचिस के मिलते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। साइड मिरर पैटर्न इंडिकेटर, ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। क्लाइडिंग पूरी दी गई है, देखिए साइड में क्रोम पे मिल जाते हैं हैंडल। ये रियर प्रोफाइल है, तो रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। डिफोगर दिया गया है इसमें, हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्क एंटीना मिल जाएगा, और इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। हाइब्रिड गाड़ी है तो स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है। चार पार्किंग सेंसर, दो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। रियर के बम्परों पर सिल्वर फिनिश भी दी गई है। बैक डोर खोलेंगे, बूट स्पेस देख लें, तो इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। देखिए ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है, यहाँ से आप CNG भरवा सकते हैं। डोर हैंडल आपको क्रोम पे ही दिए गए हैं, सारे चारों डोर हैंडल टच बटन के साथ मिल जाते हैं। तो एक्सटीरियर आपने देख लिया, चलिए इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको ये वाला डोर इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो, बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। तीनों सीटों में हेडरेस्ट मिल जाएंगे, देखिए तीनों सीटों में हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बोट रखने का स्पेस दिया गया है, बोट रख सकते हैं। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में, रीडिंग लैंप दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। सेकंड रो वाली सीटों का लगन बहुत ही बढ़िया है। लगन की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आपको इसमें। देखिए लगन बहुत ही बढ़िया है, सीट के पीछे स्पेस मिल जाता है, दोनों सीटों के पीछे स्पेस मिल जाएगा। ये वाला डोर भी इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो, बोट रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे बीच में स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आर्म रेस्ट दिया गया है, दोनों सीटों में आर्म रेस्ट मिल जाता है। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में, चार AC वेंट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर के लिए। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है, मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं, XL6 अल्फा यानी टॉप वेरिएंट गाड़ी है ये। तो आपने रियर डोर का इंटीरियर पूरा देख लिया है, चलिए फ्रंट डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। ये वाला डोर भी टच बटन के साथ दिया गया है। इनसाइड हैंडल क्रोम पे, आपको यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगी पूरी। चारों डोर पावर विंडो ऑटो के साथ लॉक एंड लॉक, शीशे को लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टेबल बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया, स्पीकर मिलते हैं। ड्राइवर सीट है, बैक एडजस्ट, हाइट एडजस्ट दोनों फीचर्स मिल जाते हैं। राइट साइड में AC वेंट्स मिल जाएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए। देखिए ESP के कंट्रोल्स, कैमरा के कंट्रोल्स, ऑन ऑफ के इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। और देखिए ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील पे ही मिल जाते हैं। वॉइस कमांड भी आप दे पाएंगे इसमें। क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी इसमें दिया गया है। राइट साइड में ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। MID देख लेते हैं, MID में आपको टेम्परेचर, क्लॉक, किलोमीटर, कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं। लो फ्यूल शो करता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये MID में लो फ्यूल शो करेगा, जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो शो कर रहा है।
ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये कैमरा दिखा रहा है आपको, तो काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसमें। और FM/AM प्ले कर सकते हैं, ऑटो AC मिलेगा, 1000 का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको USB ऑक्स के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे ये सीटों के नीचे एयर दी गई है, गर्मियों में काफ़ी अच्छा काम करेगी ये, इसके कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। ये चीज़ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे छेद छेद से जो देख रहे हैं इनमें एयर आती है, हवा आती है, यानी हवा के लिए दिया गया है ताकि कंफर्टेबल रहे पैसेंजर के लिए, उसके लिए दिया गया है। गियर लीवर 5 कार्बन लीवर्स के साथ, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिल जाता है, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ, हैंड ब्रेक लीवर देख लिया, आर्म रेस्ट दिया गया कुछ स्पेस के साथ तो, और इसमें एक SRS एयर बैग और मिल जाएगा ड्राइवर साइड, ये वाला डोर भी इनसाइड मिल, क्रोम पे पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया, स्पीकर मिलते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश पूरी दी गई है, देखिए चारों तरफ। ये आपका ग्लो बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेसी है, तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में। फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, लाइट यहाँ पे आपको लाइट के साथ मिरर भी दिया गया है, यहाँ पे आपको डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैम्प, गूगल बॉक्स मिल जाता है, IR/VM डे नाइट है, ड्राइवर साइड सनवाइजर विनट्री मिरर के साथ दिया गया है, ग्रिप असिस्टेंट। तो इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स आपने इसका देख लिया। ये XL6 Alpha यानी टॉप वेरिएंट गाड़ी है, जिसका आपने इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स देखा। तो यही था इस वीडियो में, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।